दादा आपका चुनाव चिन्ह आ गया है क्या? जी चुनाव चिन्ह मेरा हेलमेट है, तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, झारखंड के तमाम लोगों को। हेलमेट चुनाव चिन्ह है, वही हेलमेट जो बाइक में आप सुरक्षा के लिए पहनते हैं बाइक चलाते वक्त, और हेलमेट चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रम संख्या। अच्छा, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं रामगढ़ का, आपका जनता के प्रति क्या अपील रहेगा इस इलेक्शंस को लेकर? देखिए, चुनाव अब जो हो गया है बहुत पैसे का खेल हो गया है। जिस प्रकार की घटना 1 मई को टाइगर दा के साथ और 4 मई को देवेंद्रनाथ महतो जी के साथ रांची में घटित हुई, इसके पीछे क्या लगता है, किन लोगों का हाथ हो सकता है इस साजिश के पीछे? इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिनकी कुर्सियां हिल रही है। और ईवीएम के क्रम संख्या 16 पर हमारा हेलमेट चुनाव चिन्ह होगा, और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ये चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनाव चिन्ह हेलमेट नहीं है, ये विजय चिन्ह है, ये ऐतिहासिक चिन्ह है, ये परिवर्तन का चिन्ह है, ये बदलाव का चिन्ह है। ये हेलमेट झारखंड के अंदर हजारीबाग लोकसभा में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 20 मई 2024 को हेलमेट क्रम संख्या 16 पर होगा ईवीएम में, आप सबसे सहयोग और प्यार का उम्मीद रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा में मौजूद है, और बता दें आप लोगों कि आज संजय मेहता जी रामगढ़ पहुँचे हुए थे, यहाँ एक लोकसभा का मीटिंग रखा गया था पटेल डीएवी स्कूल गोबरदरा में। तो वह जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुआ, अभी औपचारिक भेंट करने के लिए संजय मेहता जी पहुँचे हुए हैं रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी जी के यहाँ, औपचारिक भेंट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनका सिंबल मिला या नहीं मिला, और क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। जोहार संजय दा। बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, झारखंडी जोहार है, सबको मेरा नमस्कार है। दादा, इस चुनावी जो माहौल अभी चल रहा है, कैसा आपका तबीयत चल रहा है, क्या आपका डेली का रूटीन है, किस तरह से आपका बीत रहा है अभी समय? सुबह 7 बजे हम लोग निकल जाते हैं फील्ड में, रात के 3 बजे 3:30 बजे तक वापस घर पहुंचते हैं, और फिर उसी तरीके से सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। 3-4 घंटे की नींद, नाश्ता वास्ता किए, गाड़ी में ही कुछ खाना वाना रखे, रास्ते में ही खाना है। तो आज मीटिंग थी, लगातार ये मीटिंग चल रही थी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ ज़िले में, और हजारीबाग ज़िले में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो रही थी कि अगले 10 दिनों की रणनीति क्या होगी, बूथ पर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से चुनावी राजनीति में हम लोगों को रणनीति बना करके अपने वैसे प्रतिद्वंदियों को पटखनी देना है। सारे बिंदुओं पर आज गंभीरता से चर्चा परिचर्चा हुई है, और किस तरीके से हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जिन इलाकों में हम लोग नहीं पहुंच पाए वहां पर कैसे पहुंचेंगे, इन सारे विषयों पर एक बेहतर रणनीति बनी है। अगले दिन से इसको हम लोग फील्ड पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। दादा, जानना चाहेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दर्ज किया था, और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन सफलतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया गया? टोटल 19 लोगों ने नामांकन प्रपत्र जो है दाखिल किया, और 19 में 17 लोगों का एक्सेप्ट कर लिया गया, 2 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस वक्त हम लोग 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, और सब अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। दादा, आपका चुनाव चिन्ह आ गया है क्या? जी चुनाव चिन्ह मेरा हेलमेट है, तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, झारखंड के तमाम लोगों को। हेलमेट चुनाव चिन्ह है, वही हेलमेट जो बाइक में आप सुरक्षा के लिए पहनते हैं बाइक चलाते वक्त, और हेलमेट चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रम संख्या 16 पर हमारा हेलमेट चुनाव चिन्ह होगा, और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ये चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनाव चिन्ह हेलमेट नहीं है, ये विजय चिन्ह है, ये ऐतिहासिक चिन्ह है, ये परिवर्तन का चिन्ह है, ये बदलाव का चिन्ह है। ये हेलमेट झारखंड के अंदर हजारीबाग लोकसभा में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 20 मई 2024 को हेलमेट क्रम संख्या 16 पर होगा ईवीएम में, आप सबसे सहयोग और प्यार का उम्मीद रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। जैसा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान है, तो महज 10 से 11 दिन बच गए हैं आपके पास, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है कि आपका जो तैयारी है, इस तैयारी में आप निकल पाएंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, 3 चीज़ें हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा उन लोगों से आगे इसलिए हैं, उन लोगों से प्लस इसलिए हैं कि हम लोग 3-4 साल से मैदान में हैं। हम लोग उससे पहले भी सभा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, 50,000-1 लाख की सभा इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। ये लोग अभी 12-14 दिन दल बदल बदल करके किसी तरीके से आए हैं,
कोई कहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड से टिकट खरीदा है, तो ये लोग अपना टिकट खरीदने और ये सब में ही जुगाड़ करने में लगे रहे। हम लोगों को कुछ तो टिकट विकट खरीदना था नहीं, हम लोग तो अपना घर के लोग हैं, अपने से हम लोग संगठन बनाए, अपने से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने से आंदोलन किए, अपने से रैली किए और गाँव के लोगों ने घर के लोगों ने साथ दिया। आज की तारीख में आज कोई इलाका ऐसा नहीं बचा पूरे झारखंड के अंदर, चाहे वो गिरडी लोकसभा हो चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, जहाँ हमारे समर्थक नहीं हैं, जहाँ हमारे विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे लोग हर जगह हैं, एक बार हम लोग टच कर ले रहे हैं, सब चीज़ों को रिफ्रेश कर ले रहे हैं और वोट कैसे करना यही हम लोगों को समझा रहे हैं। एकमात्र सिर्फ चुनौती है कि 19,35,000 मतदाताओं तक हेलमेट चुनाव चिन्ह को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पहुँचाना है, लेकिन इस चुनौती से भी हम लोग पार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हैं और सबकी एक यूनिट बनी हुई है, तो सबने अपनी जिम्मेवारियां तय कर ली है। इसलिए तमाम कार्यकर्ता घर घर जा करके ईवीएम के नमूना का जो हमारा प्रपत्र है वो गांव गांव घर घर जाएंगे और उसको बताएंगे कि 16 नंबर पर हेलमेट पर कैसे वोट करना है। 4 जून की तारीख को एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में यहाँ के लोग साक्षी बनेंगे और आज आशीर्वाद भी मिल रहा है इस इलाके के इतने चर्चित, इतने अनुभवी व्यक्तित्व। और आम तौर पर लोग कहते हैं पूर्व विधायक, मैं पूर्व विधायक शब्द से इत्तेफाक रखता हूँ कि ठीक है ये कभी विधायक बने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व अपने आप में संस्था होते हैं जिनके पास राजनीति का पूरा सागर होता है, अपने आप में ये राजनीति के एक विश्वविद्यालय हैं। और आज आदरणीय शंकर चौधरी जी का मुझे आशीर्वाद मिला है और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और इस बात का पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद के बुनियाद पर हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सर संजय जी, जितने भी प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र में सभी का मुद्दा रहता है जल जंगल, और जो मुख्य उन लोग का जो चुनाव का जो उन लोग का वादा रहता है कि सड़क बिजली पानी यही सब पर चर्चा करते हैं, आपका क्या कुछ अलग उन लोगों से हट के मुद्दा होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने आम तौर पर जो लड़ाई लड़ी झारखंड के अंदर, हमने कहा का कि झारखंड के अंदर जो विस्थापन हुआ है उस विस्थापन के बाद पुनर्वास नहीं मिला, उसके बाद मुआवजा नहीं मिला, वहाँ पर नियोजन नहीं मिला, भूमि अधिग्रहण हुआ तो उसमें बहुत सारी अनियमितता हो गई और लोग अपने भूमि अधिग्रहण के बाद अपने मुआवजा के लिए लड़ाई लड़े तो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। पूरे हजारीबाग लोकसभा में क्षेत्र में सामने देखिए यहाँ पर पतरातू है, लोग विस्थापित हुए हैं, बड़का गाँव में लोग विस्थापित हुए हैं, रामगढ़ के इलाके में आप देखिए जैसे आलोक स्टील और तमाम ऐसी जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों का भी आप देखेंगे, रोंगटा का देखेंगे, सब इलेक्टोरल बॉन्ड जा करके खरीद लिए हैं, लेकिन ये सारी कंपनियाँ यहाँ पर हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, हमारा एक बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इतना ये लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि पर्यावरण, प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण, कोयला खनन की परियोजना, खनन, माइनिंग, माइंस, मिनरल्स, ये सारे विषय सेंट्रल से जुड़े हुए विषय हैं। कोयला खनन मंत्रालय भारत सरकार निकलवाता है, कोई राज्य सरकार नहीं निकलवाती है। इन सारे विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा परिचर्चा है ही नहीं। सदन के अंदर इस इलाके के 10 साल से सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, आदरणीय जयंत सिन्हा जी, कभी एक सवाल उन्होंने नहीं रखा संसद भवन के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने ये जवाब दिया है कि झारखंड की जनता झारखंड के मुद्दों पर, झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श में लाने के लिए और देश में कैसे झारखंड का सवाल, देश के संसद भवन में झारखंड का सवाल कैसे गूंजेगा, इसको लेकर के जनता मतदान करेगी। तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। संजय दा, जिस प्रकार से जेएलएम के प्रत्याशियों के साथ में साजिश की जा रही है, जिस प्रकार की घटना 1 मई को टाइगर दा के साथ और 4 मई को देवेंद्रनाथ महतो जी के साथ रांची में घटित हुई, इसके पीछे क्या लगता है, किन लोगों का हाथ हो सकता है इस साजिश के पीछे? इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिनकी कुर्सियां हिल रही है। और आप सब जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी की झारखंड की राजनीति में स्थापित होने, उनकी सक्रियता से कौन लोग बौखलाए हैं, किसमें एक तरीके से खलबली पैदा हुई है और किसको इस बात का एहसास है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। जिन लोगों ने ठग की राजनीति की, कोयले के माफिया गिरी की राजनीति की, जिन लोगों ने लगातार लोगों को फर्जी केस मुकदमे में फंसाया, जिन लोगों ने लगातार कई विधायकों को केस मुकदमे में फंसा करके उनके विधायक की सदस्यता को समाप्त कराने का चाल चला, ऐसे लोग ही घबराए हैं
और ऐसे लोग ही साजिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। इसलिए साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चाहे वो हमारे देवेंद्र नाथ महतो हों, चाहे हमारे टाइगर जयराम महतो हों, चाहे हमारे क्रांतिकारी रिजवान अंसारी हों, चाहे फरजान खान हों, चाहे हमारे रवानी भाई हों, हमारे सभी भाई लोग, सभी क्रांतिकारी भाई लोग, कोई डरने वाला नहीं है। तमाम हम लोगों को अड़चन दिया गया, तमाम हम लोगों को परेशानियां दी गई, केस मुकदमे किए गए, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उसके बावजूद भी आज की तारीख में हम लोग खड़े हैं। जबकि हम लोगों के पास बहुत पैसा पूंजी नहीं है, बहुत साधारण पृष्ठभूमि से हम लोग संबंध रखते हैं, लेकिन किसी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, किसी को पूरा 2000 पुलिस घेरे हुई थी, किसी का नॉमिनेशन रद्द करने के लिए साजिशें की गई, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो गया। तो जब आप कुछ पवित्रता के साथ और सच्चे मन से करते हैं तो नियति भी आपका साथ देता है, प्रकृति भी आपका साथ देता है, ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा झारखंड का जो आशीर्वाद आम जनमानस का हम लोगों को मिला था, वो आशीर्वाद एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह हम लोगों के लिए काम कर रहा है, और विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग खड़े हैं, डिगे हुए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और जीतेंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा हमारे साथ अभी पूर्व विधायक शंकर चौधरी जी है, ज़रा इनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार है आपको हमारे चैनल पे। जोहार है। जो कैसा तबीयत है आपका अभी? ठीक है तबीयत। ठीक। तो इस अभी जो माहौल चल रहा है हजारीबाग में लोकसभा इलेक्शन को लेकर, तो क्या लग रहा है कि कैसा, मतलब लग रहा है कि चुनाव है हजारीबाग में या तमाम झारखंड में, ऐसा चाहे पूरा भारत में, तो माहौल कैसा लग रहा है अभी इलेक्शन का? अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं है, सब साइलेंट है। अभी सब साइलेंट है। तो ये दस बीस दिन में जब सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, तब थोड़ा सा माहौल दिखेगा। देखिए, 10 दिन बचे हैं, अब क्या होता है, है ना? अभी कोई ऐसी उत्सुकता लोगों में नहीं है। अच्छा, जो मुख्य चेहरे हैं हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी का, जो भाजपा से है मनीष जायसवाल जी, कांग्रेस से जेपी पटेल जी, और जो एक अभी चर्चित चेहरा बने हुए जेएलकेएम के, जो आपके साथ में अभी मौजूद थे, संजय मेहता जी, मुख्य तीन जो कैंडिडेट हैं वो, उनके बीच में फाइट होने वाला है। क्या लग रहा है कि तीनों में से किनका विजय होने का संभावना लग रहा है, या आप किनके साथ जाना चाहेंगे, कुछ आपका विचार? देखिए, ट्रायंगुलर फाइट है, और ट्रायंगुलर फाइट में निर्णय तो जनता को करना है। जी जी। अब जनता जिसको ज़्यादा वोट दे देगी वो जीत जाएंगे। जी जी। फैसला जनता को करना है, जनता को करना। और अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब डिटरमाइंड है, जिसको जहाँ देना है वोट दे। वो 4 जो जून को ही पता चलेगा कि क्या मतलब होने वाला है। 4 जून को ही, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उस समय पर ही पता चलेगा कि कौन है पानी में जी, और जी। कौन हजारीबाग का सांसद बनने वाला है। एकदम 4 जून को ही असली पता चलेगा। उसके पहले गेसिंग चाहे जो जितना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं रामगढ़ का, आपका जनता के प्रति क्या अपील रहेगा इस इलेक्शंस को लेकर? देखिए, चुनाव अब जो हो गया है बहुत पैसे का खेल हो गया है। चुनाव जीत के जाने के बाद में जनता, गरीब जनता के लिए कोई सोचता नहीं है। आज जितने ऑफिसर हैं सब IAS, IPS, चाहे DC हो, SP हो, है ना, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, उनके घर दरवाजे पर गरीब आदमी पहुंच नहीं पाता है, और पहुंच भी जाता है तो उसको ऐसा कानूनी मकरजाल में उलझा देता है कि वो बेचारे का काम नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस पूरे देश की, और इस विडंबना को कोई भी समाधान करने को तैयार नहीं है। तो जनता को पैसा लेकर वोट देना चाहिए या फिर? नहीं नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ईमानदारी से जनता वोट करे, समझे ना, पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो आज 2 रोज़ 4 रोज़ आप ले लोगे, बाकी 365 दिन तो आपको मेहनत करके ही खाना है। कोई भी कैंडिडेट आपको 365 दिन नहीं खिला देगा, इसलिए क्षेत्र के विकास की जो गारंटी दे, क्षेत्र का विकास कर सके, जिस पर भरोसा हो, उसको वोट देना चाहिए। और जीतने के बाद अगर वो व्यक्ति क्षेत्र का विकास नहीं करता है तो उसको खदेड़ देना चाहिए। तो ये थे शंकर चौधरी जी, पूर्व विधायक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। तो अभी हमने बात किया संजय मेहता जी से भी और शंकर चौधरी जी से भी, तो फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय झारखंड।